हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए और बढ़िया ब्लॉग में। और इसके पहले जितने बनाए थे वो भी बहुत अच्छे ब्लॉग थे। तो अभी अर्णव मुझे बार बार कॉल कर रहा है और बोल रहा है पार्टी कर लो, अच्छी पार्टी कर लो। मैंने कहा क्या खाएगा, कह रहा पिज्जा खाऊंगा। तो अभी आना के पापा कॉल किया था, बोला था एक ऑर्डर कर दो, दोनों बच्चे खा लेंगे। तो कहते ठीक है, तो वो आ रहा अर्णव, कह रहे मैं पतला हो गया, पार्टी कर लो। अभी आ रहा है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, देखती हूँ जाके, क्या पता बाहर नीचे तक अर्जुन क्या पता ऊपर आए ना, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो मैं बाहर से खड़ी होके निहारती हूँ रास्ता उसका। आ जा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। इधर से आएंगे, मैं नाक ही बहती रहती हूँ। आ जाओ, इतनी बड़ी वाली ले आए क्या? मैंने बोला छोटी वाली चाहिए, वो बोल रही नहीं आएगी। मैंने बोला वो जो इससे छोटी जो वो नहीं है, वो बोले नहीं। और पैसे वापस ले दे। नहीं, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, ले आओ। तो गाइस, अर्णव के आने की खुशी में ये कोक वगैरह आना रिस्क लेके गई थी लेने। वो जब भी आता है इसको दुकान पे दौड़ा देता है। लो अंदर रखो, दो फ्रिज में जाके। तो गाइज, अर्णव आ रहा है ना, तो आहना के पापा ने आहना के सारे टॉय ऊपर रख दिए, तो हमें अब उतारना पड़ेगा। वो खेलता है खिलौनों से, तो ये रहे सारे टॉय, थोड़े से उतारूंगी, सारे फैला देता है नीचे घर में वो। अब मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, पता नहीं क्यों। नक चपटा ही क्या था, इसके कहने का मतलब कि मायरा उससे भी छोटी, तो आप उससे क्यों नहीं प्यार करते, उसे नक चपटा ही बोलते हो, इसका मतलब ये। प्यार करती हो हाना, वो रोती रहती इसलिए उसको मन नहीं करता खिलाने का, रोती रहती, उसे गले में लगाओ, गोदी लो, ई यूं ई मारा, हा फिर थप्पड़ मारा, रोती रहेगी बस। गुस्सा आती, रंग भी तो नहीं लगवाती वो, रंग से डरती है। बेटा वो छोटी, आप भी ऐसे डरते थे, पर आप नहीं डरते थे, वो अलग है, वो इंडिया के बाहर से। अब मायरा तभी अन्ना आ रहा है, दोनों खेलेंगे। हम इंतजार करते हुए आहाना भी जैसे जिलाने गई थी उसके लिए। चलो अभी आ जाता है तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, ये झोला मेरा पता नहीं कब नीचे गिरेगा और मैं कब उठा के लाऊंगी। गाइस देखो, पतझड़ हो गया था, अभी एकदम नई नई पत्तियाँ उगने लगी, एकदम मस्त वाली है, देखो तो चमक रही, वाह क्या बात है। गाइस बात ये थी कि मैं अर्णव को सुबह सुबह कॉल कर रही थी, उसको बार बार बुला रही थी, काफ़ी देर तक बात हुई, मैं उसको बोले जा रही थी आ जा, फिर उसके बाद वो मुझे कॉल कर रहा था, फाइनली आ रहा है वो। और कुछ नहीं, बस घर का सारा काम हो गया था, बस बोर हो रहे थे, अभी बच्चे खेलेंगे थोड़ा इंजॉय करेंगे और बस। और वो देखो महारानी लगी है अपने पैर में, क्या देख रही हो? इन्होंने नहा लिया था बट मैंने इनके बाल में तेल उल लगा के बाल नहीं बांधा अभी तक, शाम को पार्क जाएंगे तो कर दूंगी, है ना। और गाइस पता है क्या, मेरा मुंह अभी मैं बाहर जाके शूट कर रही थी, आए इतना ख़राब दिख रहा, जो कि जितना है नहीं उससे ज़्यादा ख़राब दिख रहा, वो मैंने बाद में वीडियो चला के देखी ना, क्या कर सकते हैं, लोग कहते रियलिटी, बट रियलिटी में भी इतना ही जितना उसमें दिख रहा था, अभी भी अच्छा दिख रहा है होगा, बट अब उसको मैं कट नहीं कर सकती, डालना ही पड़ेगा। अर्णव का इंतजार करते करते थकी गाइस, तो मैं अब अंदर आ गई हूँ, अब मैं बैठूंगी ये यहाँ बेड पे, जब वो आएगा खुद कॉल कर देगा। गाइस फिर से हम आ गए अंदर, इंतजार करते करते बज गए हैं 3, आएगा कब वो, और उसको जाना भी जल्दी है क्योंकि उसको आज पार्टी में जाना है, पता नहीं कब आएगा। सुनाई दी उन्होंने फिर से, आ गए भाई, अर्णव आ गया है। ये देखो मेरा पार्सल आ गया है, अर्णव आ गया, जो अर्णव देख जूते उते उतारने लग गया, देख देखो गाइस मेरे लिए ज्योति गिफ्ट लाई है, वाओ नाइस ब्यूटीफुल बैंगल। वो आ गए पिज्जा वाले भैया, अब मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी फंस के गिर गई थी, बच गई गाइस, इसमें प्लाजो फंस गई थी, अभी मेरे दांत टूट गए थे पूरे। लोकेशन आगे जा रही थी, ये तीसरा तक नहीं है, ठीक है, थैंक यू भैया। मेरा प्लाजो फंस रहा है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं घर। अर्णव हेलो गाइस बोलो,
रुक जा रुक जा, अभी फिर से अन्ना हेलो गाइस बोलो। ये भी ना हेलो गाइस बोलने लगे। ये लो आपको पिज्जा, लो पिज्जा पा लो। ये है अन्ना का नंबर। अन्ना पिज्जा आ गया, रुको रुको रुको, अन्ना आपको मुंह दिखाने दो। देखो अन्ना पिज्जा आ गया, खाओ खाओ। लो अन्ना बोल मैं आ गया। हे गाइस, तो ज्योति चली गई, आ गई थी ये भाभी लोग बेचारी, तुरंत आई और मैंने कोई स्वागत भी नहीं किया। तुरंत ही पार्क आ गए हम लोग, पागल सी बनी थी मैं। सारा बेकार। हे गाइस, मेरा पोपट हो जाता हर बार, कैमरा था सामने तो इसने बताया मेरे को। तो मैं ये कह रही थी, ज्योति आई थी तो चली गई, ये बेचारे भाभी वहाँ भी आए थे मेरे से मिलने, मुझे बुला लाए पार्क में। हमें भाभी ऑफिस को स्वागत नहीं करता, कुछ नहीं करने चाहिए, ऐसे ही पानी भी नहीं पिलाया। वही तो चले आए, मैंने बोला आना फिर किसी पिज्जा होता तो पिलाते थी। हाँ वो तो होता, स्वागत करते। कहाँ चले गए? काम पे गए। भैया वो, भैया वो रहे, देखो भैया का दिख रहा है। एक भाभी वो आ रही, बुला रहे पीछे से। और कुछ बोलू? कुछ बोलो ना था भैया ना था। ना खाई रहा दे भाभी, लड़का दूसरा है। बका दी बिट्टी, कुत्ता है क्या? कुत्ता वीडियो ना बनाई, फटाफट फोटो खींचूंगा। गाइस मेरे नौटंकी पापा को देख लेना। देखो गाइस, मैं इन लोगों को सिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे बनाए करो, क्या पता चल जाए। बहुत लोग यूट्यूब पे सक्सेस हो रहे हैं, बहुत लोगों को इनकम हो रही है। मुझे तो किसी ने दिमाग नहीं दिया था, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा था। मुझे अब पता चला तो मैं इन लोगों को बता रही हूँ। मेरे जान पहचान में ऐसे लोग हैं कि कुछ जानते हैं ना, किसी को बताते नहीं, कहीं ये ना बढ़ गया। सही पर जब तक टोलम वोलम जैसे जो हम करें ना, लड़के घास टोलम के साथ चली जाए खेली, पर आने को बुद्धि कम नहीं थी। बाद में थोड़ा समझ हुई आई तो समझा कि हाँ बहुत कुछ कर सकता था, बुद्धि तो अब ये फोन के बारे में नहीं जाना था, कुछ सब यूट्यूब से सीखा था, वो बता नहीं जाना तो नहीं था। अब इन लोगों को मैं बता रही हूँ कि चैनल पर बना लो, क्या पता चल जाए। अरे इन भाभी को मैं कह रही हूँ, ये भैया ने भाभी को पैसे दिए, मेरा ही पैसा, मेरे मोबाइल में थे पैसे, पैसा रख के भैया तुम चाहे जब चले। देखा उतर रहो, जाओ मुझ में खेलो थी मैंने, जा जा भैया हारी हो जाए। मेरी आना का तो खबर ही नहीं है कहाँ गई। हे गाइस, तो पार्क से हम लोग घर आ गए हैं, भाभी वगैरह आ गई थी तो गई थी मैं, शायद जाती भी ना। अब आना को मैं तैयार करूंगी क्योंकि वो ज्योति के साथ पार्टी में जाएगी। तो गाइस, ये रही आना की ड्रेस, अभी आना इसको पहनेगी। ये इसकी बुआ ने पिछले साल फरवरी में इसको दिलाया था, इसको हम लोगों ने पहनने नहीं दिया क्योंकि हमको ये ड्रेस इसके ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी। अब ये छोड़, बाय बच्चे, बाय गधे बेटे, बाय गधे पापा, देखो बाहर जा रही है। वाह अच्छी लग रही है आना। इसकी एक क्लिप भी नहीं मिली, और एक एक जो दो क्लिप मिली उसमें का ये ऊपर का जो डिज़ाइन था एक में का निकला हुआ था। और कह रही थी मम्मा मेरे बाल स्ट्रेट कर दो, मैंने कहा कभी कभार तो कर सकते हैं, बट स्ट्रेटनर मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैं क्योंकि कुछ करती नहीं स्ट्रेटनर स्ट्रेट वगैरह, तो बेचारी कभी ऐसे ही जाना पड़ रहा है। सुंदर लग रहे बब्बू, चलो आपकी बुआ को दिखाते वीडियो कॉल करते हैं। ठीक गाइस, देखो आना को मैंने रेडी किया, कैसी लग रही है? ऊपर करो मुँह, आइज थोड़ा क्लोज, थोड़ा सा खोलो, पूरा खोलो जल्दी से। सुंदर लग रही है ना, ये देखो आप कितनी क्यूट लग रही है, दिखा हाई फाई। देखो गाइस, चेतन आ गया, किचन में रखो चल के, चलो मैं आ रही हूँ। मैं गाइस, रात हो चुकी है मगर मिट्टी मिट्टी हो रहा था, थोड़ा सोचा मिट्टी इकट्ठा कर दूँ। गाइस देखो चेतन क्या लाया है थैले में, भैया ना काम करते हैं पार्टी का, मतलब खाना वगैरह बनाते, तो उन्होंने भेजा, अभी दिखाती हूँ क्या क्या। तो गाइस देखो भैया ने क्या क्या भिजवा दिया, रोटी दी उन्होंने इतनी सारी, ये मैं रख देती हूँ, दाल मखनी और पनीर की सब्जी है, रोटी है, तो वो
पार्टी काम करते हैं ना वो बहुत कुछ ले आते हैं, और मुझे हमेशा मैं कई बार जाती हूँ खा के भी आती हूँ, और भाभी मुझे बोलते बिट्टी खाई हो भिजवा दी, अभी भी भैया फोन करके पूछ रहे थे, मैंने कहा भिजवा दो अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता। तो अभी चलो कुछ काम है, अभी मिलते थोड़ी देर में। तुम्हारी बेटी कैसे लग रही भाई बताओ, इसकी एक क्लिप नहीं मिली और स्ट्रेटनर ढूंढ दो, बाल स्ट्रेट करना है इनने, दिखा मुंह, मैं तो मुंह ही देख रही अपने लल्ला का। इसकी ना सुनो आईलाइनर यहाँ ऊपर हो गया था, तो मैंने ना रगड़ इसी सूट से रगड़ दिया, इसकी आंखें जलन कर। अब देखो इसके पापा नहीं मानेंगे, स्ट्रेटनर ढूंढ के ही देंगे, ये ऐसे हैं इसके लिए ना तो कुछ भी। अभी ये है इसके लिए ऐसे करते हैं, फिर लक्ष्मी इतनी बड़ी थी उसके लिए ऐसे करते थे। मैंने इसके पापा को मना कर दिया, मत ढूंढो रहने दो, स्ट्रेटनर ऐसी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, ला थूकू पहले तुम्हारे ऊपर, इतनी सुंदर लग रही है, नजर लग जाएगी, आंख कितनी सुंदर लग रही है, रो ना, नजर उतारी है देख लो, आंख खराब हो जाएगी, मासी आने वाली है, आंख खराब, चुप, कॉपी पेन दे दो यार, आंखें पहले इसको बोल दो बंद करे, कुछ नहीं करना है, जाओ उठ के दो पापा कॉपी पेन, उठो, आंसू पोछना नहीं ठीक, हाथ से सारी आंखें खराब कर लो, सारा आईलाइनर बह जाएगा बेटा, नजर ना लगे, मैं बचपन में भी आपके थूकती थी, हीरोइन बनती रहती हो, कैसे कैसे थूक देना आपके मम्मा ने आपके ऊपर, कितने बजे आओगे रात को? मुझे नहीं पता आप जा रहे हो पार्टी में, आपको पता होना चाहिए, कितने बजे आओगे? 10 बजे आ जाओगे अच्छे से। तो गाइस मेरे फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है, तो मैं कुछ शूट नहीं कर सकती हूँ, आना जा रही हाना को नीचे छोड़ूंगी, फिर आज ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मुझे देख सकें। गाइस देखो आना आ गई, खाया था इसने, खाना नहीं खाया गाइस, डांस किया था क्या? मैंने डांस किया था, फिंगर खाया था, मंचूरियन खाया था, और वो जो टिक्के से होता वो खाया था। बस करो, मुझे पता है कितना खाती हो, मतलब खाया होगा जरा जरा से, पर इसने खाना नहीं खाया। ज्योति का भी फोन है, अभी अर्जुन आया छोड़ के गया, और इसमें बैटरी नहीं है ना फोन में, तो फ्लैश जल नहीं रही थी, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, अभी लाइट जला के शूट कर रही हूं। चलो गुड नाइट बोल दो गाइस, गुड नाइट बाय, चलो ऊपर।